मुझे ये दृश्य क्यों दिखाई दे रहे हैं? मयूर, गजमुखन पर वार करना इतना सरल नहीं। इन वीर बंधुओं का पराक्रम तो सत्य में सराहनीय है। माया भी नहीं, वास्तविक युद्ध करना होगा तुम्हें। इतना साहस है तुम्हें गजमुखन? दुस्साहस कर रहे हो तुम, जिसका दंड तुम्हें मैं देकर ही रहूंगा। बीच में अभी भी कुछ सामर्थ्य शेष है, तो अब अपने प्राणों के साथ उसे भी खोने के लिए तैयार हो जाओ तुम। इस बार मैं तुम्हारे वार के लिए तैयार हूं गजमुखन। दुष्ट अब क्या कर रहा है? ये दुष्ट अपनी दुष्टता से नहीं चूकते। इस दुष्ट गजमुख ने पुनः अपने मायावी पर्वतों का आवाहन किया। देव सेनापति कुमार कार्तिक, वीर बंधुओं को इस पर्वतों के विषय में तनिक भी ज्ञात नहीं। इससे पूर्व कि वो इस विषय में कुछ भी ज्ञात कर पाए, असहायता की गुहार लगाए, ये असुरी मुख ने अपने मुख में निंगल लेगा। यही वो क्रौंच पर्वत है जिसके विषय में नारद जी ने हमें बताया था। इसे भीतर से नहीं भेदा जा सकता, इसे बाहर से नष्ट करने के लिए अब तो भैया कार्तिकेय को इस युद्ध में उतरना ही होगा। क्या हुआ बालक? तुम्हारे सहायक योद्धा तो अदृश्य हो गए। इंद्र और उसके देवता तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकते। अब तो तुम्हें मुझसे अकेले ही युद्ध करना होगा। शीघ्र बताए ब्रह्मदेव, क्या लिखा है इस पंचांग में? संकट घोर संकट आने वाला है तुम असुर पर।
क्रीड़ा है ये मेरे लिए, और इस क्रीड़ा का अंत मैं ही करूंगा शीघ्र। ये तुम नहीं, नहीं। अभी तो तुम्हारा अहंकार बोल रहा है कचबक। तुम्हारा ये अहंकार तुम्हारे सर्वनाश का कारण बनेगा। ये भयंकर युद्ध अब उस दुष्ट गजमुखन की मृत्यु के साथ ही थमना चाहिए। 9 योद्धा भेजे थे तुमने, सभी क्रौंच पर्वत में बंदी बने हैं। मैं चाहूं तो तुम्हें भी बंदी बना सकता हूं। गुफा को भीतर से ही भंग करेंगे हम। हमारे प्रहार से उत्पन्न ध्वनि ने हमें ही विचलित किया। नहीं भ्राता, नहीं। यहां से बाहर निकलने के लिए हमें इस पर प्रहार नहीं, कोई अन्य उपाय सोचना होगा। तो सब कुछ मायावी प्रतीत हो रहा है। यहां का द्वार कुछ क्षणों के लिए खुलता है, हमें तभी यहां से बाहर निकलना होगा। तुम्हारे योद्धा क्रौंच के भीतर तो प्रवेश कर गए हैं, किंतु वो बाहर नहीं आ पाएंगे। दुर्भाग्य है उनका, वो इस सत्य को नहीं जानते। वो जितना प्रयास करेंगे, क्रौंच उनको अपनी उतनी ही अंधेरी गुफा में ले जाएगा, जहां होगा संकटों का एक और पहाड़। बाहर नहीं और भीतर पहुंच गए हैं हम। सावधान भ्राताओं, स्वयं को सुरक्षित करो। ज्येष्ठ, अब तो ये संपूर्ण छत हम पर ही गिर रही है। हमें यहां से लौटना होगा, किंतु उसके लिए इस द्वार का खुलना भी अनिवार्य है। परंतु भ्राता, हमारे पास समय शेष नहीं है। मैं रोकूंगा इसे। भ्राता, तुम सब जाओ। परंतु भ्राता, आपको छोड़कर नहीं जा सकते हैं हम। हाँ भ्राता, हम आपको छोड़कर नहीं जा सकते। ये तुम्हारे ज्येष्ठ और मुख्य सेनापति का आदेश है, जाओ। किंतु भ्राता, मैंने कहा जाओ। जय स्वामी कार्तिकेय।
अब हम तपते हुए लावा पर तैरती इन शिलाओं पर हैं। भयभीत हो गए? धीरू और दुर्बल ही संकट में अपने स्वामी का स्मरण करते हैं। किंतु कोई लाभ नहीं, कोई उनकी रक्षा नहीं कर सकता, क्योंकि अब वो ऐसे विषैले स्थान में प्रवेश करेंगे जहां बड़े से बड़े विषैले जीव भी उस स्थान की विषैली वास्त में जीवित नहीं रह पाते। अब तुम्हारे नौ योद्धाओं के साथ भी यही होगा। बालक, अब तुम्हारे पास दो ही विकल्प हैं। या तो अपने योद्धाओं की रक्षा करते हुए मृत्यु के मुख में जाओ, या यहाँ रुककर मेरे हाथों मृत्यु का ग्रास बनो। शीघ्र चुनाव करो, निर्णय तुम्हारे हाथ में है। कहीं वो उस लावा कक्ष में तपते लावा में डूबने वाले तो नहीं? भांति मायावी है ये दुष्ट, भांति भांति के छल रच रहा है, और इसे पार कर पाना इतना सरल नहीं होगा। कहीं भैया कार्तिके वीर बंधुओं की रक्षा हेतु भीतर न चले जाएं। आप ही ने कहा था ना, इस क्रौंच पर्वत को भीतर से नहीं भेदा जा सकता, फिर वो भीतर न उलझ जाए। भैया उचित चुनाव करें, यही आशा तो मुझे भी है। मारने वाले से कहीं बड़ा होता है बचाने वाला गजबक। किंतु तुम्हारे अंत के उपरांत दुष्ट, क्योंकि एक योद्धा का प्रथम धर्म होता है अपने शत्रु को पराजित करना, जिसे मैं निभाऊंगा और फिर अपने योद्धाओं को भी मुक्त करूंगा। अद्भुत बालक हो, किंतु तुम्हें युद्ध के नियम भली भांति ज्ञात है, तो अब मेरी शक्ति का भी परिचय प्राप्त करने के लिए तैयार हो जाओ। उचित, तो युद्ध आरंभ करने से पूर्व मैं तुम्हें भी दो में से एक विकल्प चुनने का अधिकार देता हूँ। या तो वीर योद्धाओं एवं अन्य देवताओं को मुक्त कर धर्म पद स्वीकार करो, अन्यथा युद्ध में अपने अंत के लिए तैयार हो जाओ। युद्ध करूंगा मैं, गजमुखन पीछे हटना नहीं, युद्ध करना जानता है। ये दुष्ट इस रेखा को खींचकर हम दोनों के मध्य की दूरी बढ़ा रहा है, किंतु फिर भी मेरे वार से नहीं बच पाएगा ये। खुदा में नहीं, गजमुख के इन अस्त्रों को रोकना होगा मुझे। इतनी दुर्भावना असुरों के प्रति कि सत्य देखने में आप असमर्थ हो गए ब्रह्मदेव। संकट काल की बात कर रहे हैं, जबकि हमने देवताओं को ही नहीं स्वयं देवराज इंद्र के पुत्र को अपना सेवक बनाया है, और स्वयं आप भी तो हमारे समक्ष प्रस्तुत होने पर विवश है ब्रह्मदेव। असुर सम्राट, बंदी देवता, देवराज के पुत्र आपकी इच्छा के बंदी है। अब मैं भी विवश हूं आपका आदेश मानने के लिए, किंतु ये पंचांग आपके अधीन नहीं है। ये तो वही दिखाएगा जो सत्य है, जो होने वाला है, और इसके अनुसार संकट में है आपका भ्राता।
मेरा रक्त बहाया तो तुम्हें रक्त से रिक्त कर दूंगा। सावधान ब्रह्मदेव, और एक शब्द सुनना नहीं चाहता हूं। गोपुत्र, ब्रह्मदेव भविष्य दिखा रहे हैं, उसे गंभीरता से लो। सावधान हो जाओ, गजमुख के लिए सहायता भेजो। किंतु माँ, स्वयं नारायण को विवश करने वाले मेरे पराक्रमी भ्राता और आपके शक्तिशाली पुत्र गजमुख को किसी की सहायता की क्या आवश्यकता है? उचित है, आपके आदेश का पालन होगा। गजमुख और उसका पुत्र असुरेंद्र अभी कहां पे? महान असुरेंद्र इस समय राजभवन में नहीं है, अभी तो क्रौंच पर्वत के निकट बने अपने शस्त्रागार में युद्धाभ्यास कर रहे हैं। युद्ध कौशल तो असुरेंद्र अपने बाल काल से ही सीख रहा है, अस्त्र और युद्ध कला में निपुण हो गया है वो। मेरा आदेश उस तक पहुंचाओ, जाकर वो अपने पिता की सहायता करे और शीघ्र ही मुझे विजय का समाचार प्राप्त। स्वामी, स्वामी, मैं अपने पुत्र के विवाह को लेकर अति उत्साहित थी, और मैंने तो अपने पुत्र वधुओं को भी ढूंढ लिया था जो पूर्व जन्म से ही उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। एक ओर देवराज इंद्र की पुत्री देवसेना है। चिंता मत कीजिए माता, प्रभु कुमार कार्तिकेय स्वयं गए हैं भ्राता जयंत को लौटाने, और वो उसे सुरक्षित वापस लेकर आएंगे। और दूसरी ओर है कुमारी वल्ली। मैं आप दोनों को एक वचन देता हूं कि आपके अगले जन्म में जब सभी परिस्थितियां उचित होंगी, मैं आप दोनों से विवाह अवश्य करूंगा। किंतु वो तो अपने विवाह उत्सव के भाग बनने के स्थान पर युद्ध भूमि में वहां भयंकर असुर का सामना करने के लिए विवश है। इस छोटे से आघात से तनिक भी विचलित नहीं हुआ हूं मैं। विजय प्राप्त करोगे तुम मेरे विरुद्ध, इसकी आशा त्याग दो बालक। आशा नहीं, अभी तो पूर्ण विश्वास है मुझे। विश्वास अच्छा होता है बालक, किंतु अति विश्वास सर्वनाश की ओर ले जाता है। नारायण के सुदर्शन चक्र को रोक कर थाम लिया था, उसके सामने तुम्हारे ये हार क्या है? स्वयं तुम्हारे नारायण भी मेरा बाल बांका नहीं कर पाए, तो तुम बालक मुझे क्या हानि पहुंचाओगी? और देखो बालक, क्रौंच पर्वत की ये लालिमा बता रही है कि तुम्हारे नौ योद्धा शीघ्र लावा की गहराई में खोने जा रहे हैं। तो भीतर हो और यहाँ तुम, सबका एक साथ अंत होगा। क्या ये दुष्ट मायावी असुर युद्ध के प्रत्येक चरण में माया का प्रयोग अवश्य करेगा? ये मूर्ख गजमुखन भूल गया, अभी कुछ क्षण पहले ही तो भैया ने उसकी माया को नष्ट किया था, तो उन पर माया के प्रयोग का कोई लाभ कैसे होगा? नहीं गजमुख, ना तुम्हारी ये माया मुझ पर सफल होगी, और ना ही वीर बाहु और उसके पराक्रमी वीर योद्धा भ्राताओं का कोई अनिष्ट होगा। हमें पुनः अवसर देखकर इस द्वार से बाहर जाना होगा। किंतु भ्राता, यदि वहां कोई इससे ही बड़ा संकट हमारी प्रतीक्षा में हुआ तो? अपने पराक्रम पर विश्वास रखो भ्राता, जब तक श्वास है
तब तक हम पराजय नहीं मानेंगे। प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या गजमुख, देख लो मेरे वीर योद्धा तुम्हारे उस लावा के संकट को टालने में सफल रहे हैं। नहीं, उन्होंने संकट टाला नहीं है, अभी तो और गहरे संकट में उलझ गए हैं। किंतु तुम उनकी नहीं अपनी चिंता करो, तुम्हारा अंत प्रत्यक्ष रूप से तुम्हारे सामने खड़ा है। जब मेरी दृष्टि वास्तविक गजमुख पर है तो मुझे अन्य मायावी गजमुखों की चिंता करने की क्या आवश्यकता है। बालक, तुम भूल कर रहे हो, मैं ही हूँ वास्तविक गजमुखन। नहीं, मैं हूँ वास्तविक गजमुखन। बालक, मैं हूँ वास्तविक गजमुखन। ये सभी वास्तविक गजमुख से अधिक प्रकाशित है। बड़ी से बड़ी माया और बड़े से बड़ा बल भी विधि के विधान को चुनौती नहीं दे सकते। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।